प्रदेश प्रभारी बावरिया के बयान के बाद कांग्रेस में मचा तूफान। सफाई देने उतरे खुद नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल। मौका था प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया के रीवा दौरे का। इन दिनों कांग्रेसियों में जबरदस्त उत्साह है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म होने जा रहा है। हर कांग्रेसी चाहता है कि उसे ही इस बार चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए। ऐसे में वरिष्ठ कांग्रेस ने सिंधिया का वह बयान जिसमें उन्होंने 30% टिकट नए और युवाओं को देने की बात कहकर उन कांग्रेसियों में जोश भर दिया है जो हर हालत में चुनावी राजनीति करना चाहते हैं। आइए पहले सुनते हैं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टिकट को लेकर क्या कहा। इसमें हमने सारे शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की है, चाहे अजय सिंह जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, राजेंद्र सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, भूरिया जी हों, हम सब ने साथ में मिलकर हमने तय किया है। हमारा मापदंड एक ही होने वाला है और वो है जिसकी जीतने की संभावना हो उसे टिकट मिला दिया जाएगा। नंबर सिंधिया जी, मेरा व्यक्तिगत मत है, अब इसमें कितना राजेंद्र सिंह जी सहमत हो, इंद्रजीत जी सहमत हो, अजय सिंह जी सहमत हो या सुंदरलाल जी सहमत हो, जरूर इनसे भी पूछेगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस बार इस चुनाव में कम से कम 30% टिकट ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्होंने कभी भी विधानसभा चुनाव न लड़ा हो। चलिए ये तो हुई टिकट देने की बात, अब बात टिकट कटने की। तो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया कहते हैं इस चुनाव में 60 साल से ज्यादा वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बयान से कांग्रेस की प्रदेश शीर्ष इकाई में भूचाल आ गया। और के मैं किसी और के टिप्पणी पर मैं टिप्पणी नहीं देता, जो मेरी भावना है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि जो जीतेगा उसको टिकट मिलना चाहिए। 60 से ऊपर वालों को नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। देखिए मेरा मत आपने सुन लिया कि जो जीतेगा उसको टिकट दिया जाना। उनके इस बयान से विंध का शीर्ष नेतृत्व जैसे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, पूर्व कांग्रेस उपाध्यक्ष सुंदरलाल तिवारी जैसे नेता चुनावी राजनीति से एकदम से दूर हो जाते। हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले दीपक बावरिया के बयान के चलते विंध में कांग्रेस एकदम से खत्म हो जाती। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष से रीवा दर्शन ने सवाल किया तो उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। ये बावरिया जी ने अभी एक बयान दिया था कि ये 60 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, 15 साल से कांग्रेस विपक्ष में है, जीतने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। 60 के ऊपर तो हम भी 64 हो, क्या हम भी बाहर हो जाए? क्या आपको लेकर इशारा किया गया था? नहीं नहीं, मेरे ऊपर इशारा नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस में आज के समय पर ये देखना चाहिए कि जीतने वाला है, यदि जीतने वाला है तो उम्र का तकाजा नहीं होना चाहिए।